बैठियो ही कुछ करो नाचे और क्या नाचो और क्या नाचना भी आवे हम पे नाच ही दिखा दो आज मौसी आप अपना नाचना भी आवे गाना भी आवे तो गाइस मम्मी का आज है फास्ट तो मैं कपड़े उतारने आया हूँ छत पे से ये देखो और देख। दूंगी नीसा को तो मैं कितने पैसे है? मम्मी खिला रही है गाय को खिला दो वेलकम बैक टू गोलू गोलमाल चैनल गाइस। तो आज है मम्मी के लिए ब्लॉग। मम्मी बोल रही है मेरा ब्लॉग बनाना। मैं अभी अच्छे से रेडी हो जाती हूँ तो मैं अपनी मम्मी को दिखाऊंगा आज अपने ब्लॉग में गाइस। वो अभी तैयार हो रही है, आज करवा चौथ है ना, पापा के लिए स्पेशली रेडी हो रही है मम्मी। तो ये हो रही मम्मी रेडी। मम्मी रेडी हो रही हो? भी रहता है आज करवा चौथ का। अच्छा हाँ, तो करवा चौथ तो सबको पता ही है आज। तैयार हो जाऊं मैं? ठीक है ठीक है, हो जाओ फिर दिखाऊंगा प्रॉपर लुक है। और ये देखो मम्मी की स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट है, रेडी कर रही है मम्मी को। ये है मम्मी और तैयार कर रही है नीसा ही। मम्मी का और इसका बचपन का नाता है। मम्मी तुमने ही पाला ना नीसा को? और छोटी सी रही मेरे पास। कितने साल की थी? 5 साल की। और मैं है? मैं तू भी छोटा ही है? मुझे याद है मैं रोता रहा, मुझे ना सुला तुम अपने पास ही से सुलाई। 6-7 साल का, 7 साल का। और इसे सुलाती थी तुम्हें ना? और नीसा तो बहुत प्यारी लगे, नीसा को सुबह भी अपने पास। करवा चौथ कहते हैं इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागन स्त्री अपने पति के लिए दुआई के लिए करती हैं। प्राचीन काल में दिज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ में वट के वृक्ष से चढ़कर छल्ली से दीपक दिखाकर बहन से कहा चंद्रमा निकल गया। उस अंधेरे रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ी है वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकल आया, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। सही अब हो गई मम्मी की कथा पूरी है। मम्मी हो गई। अनीसा को पैसे? सब पैसे दूंगी। कितने? कितने पैसे मिलेंगे नीसा को? 1,000 रुपया। नीसा इधर आ मम्मी के पास, यहाँ पे थंबनेल में लगाऊंगा तुम्हें। देख इन्हें कलंदर एफपी को और मत दे दूंगी नीसा को तो मैं। कितने पैसे? पागल। चलो ठीक है, जो देना दे देना, बोलना मत है। ऐसा नहीं सुनते हैं, देने पड़ते हैं। अच्छा ठीक है। तो गाइस मम्मी का आज है फास्ट तो मैं कपड़े उतारने आया हूँ छत पे से, ये देखो। क्योंकि मम्मी को मैं जीना नहीं चढ़ने दूंगा, चौथी मंजिल पे कौन चढ़े इतना ऊपर। और मम्मी जाएंगी थक, खाली पेट है, तो मैं लेके जा रहा हूँ कपड़े। ऐसे हेल्प करो आप भी अपनी मम्मी की। अभी से कपड़े उतार के लेके आया हूँ, अब मम्मी से पूछता हूँ उनका रिएक्शन क्या होने वाला है। मम्मी क्या बना रही हो? चाय बना रही हूँ। अब मैं कपड़े ले आया सारे उतार के, आपकी हेल्प कर दी? ठीक है कोई बात ना, आज कर देगा तो क्या है, आज मेरा व्रत है तो इसीलिए तो मैंने हेल्प करी है। सही बात है, सबके बेटा कर रहे हैं काम। तो मैं अभी तो कर रहा हूँ। ठीक है, कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा, अच्छा लगा। और बताओ क्या करूँ? बस और कुछ नहीं, शाम को खाना बनाऊंगी। मैं बना दूँ खाना भी? तो तुझे पराठे बना दिए मैंने। पराठे तो मैंने खा लिए। ठीक है चलो ठीक है। अब मम्मी दिखाना आज अपना लुक इधर, आप तो बहुत प्यारी लग रही हो। आ बेड़े हाँ, ये है हमारी गोलू मोलू मम्मी। गाइस कमेंट करो आज मेरी मम्मी कैसी लग रही है। मम्मी आज बहुत ही सुंदर लग रही हो, इधर दिखाओ, इधर दिखाना गोल मोल फेस। मम्मी तुम यहाँ आ गई, मैं तुम्हें वहां पे देख रहा। पैर देख मेरे, मैंने महावल लगाया। और तेरी शेरा वाली माँ। अच्छा लग रहा है? शेरा वाली माँ। ये क्या लगाया पैरों में? अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं हाँ, बढ़िया लग रहे हैं। आज हमारी मम्मी क्यूट लग रही है। गाइस हमारे घर में देखो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट। ये देखो पुलिस की गाड़ी बनाई इसने। ए इधर दिखा अपना फेस, यही है वो शख्स। ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। रोटी पूरी हाँ, इसने पूरी बनाई थी। और ये देखो पुलिस की जीप क्या मस्त लग रही है। राज इधर फेस तो दिखा, तेरी पहचान तो करवाऊं। ये देखो ये बना रहा, और यहाँ पर ये पूजा की तैयारी कर रही है। मैं देखता हूँ अब अपने घर, मैं देखता हूँ अब मम्मी क्या बना रही है घर पे। और मम्मी जा रही है अब गाय को खिलाने, है मम्मी? हाँ, गाय को। ये गाय का है, पूजा कर लिया आपने? हाँ, आ जाओ गाय को दियाऊं मैं। ठीक है चलो, आ जाओ आ जाओ, अच्छी लग रही हो। चलो,
गाय को भी खिलाना होता है मम्मी? हाँ चल खिला दो मम्मी, रुक जाओ। मम्मी खिला रही है गाय को, खिला दो। खिला दो प्लेट में, खिला दो, धुल जाएगी। कोई बात ना, खा ले। मम्मी हम जैसे रोज खाना देते हैं एक प्लेट इसकी कर देते हैं ना, ये वाली जैसे? इसी प्लेट में जैसे चावल वगैरह दाल वगैरह बचती है तो मार ना दे, पीछे करे ना। देखो देखो चलो बाय। मम्मी आपकी पूजा हो गई, अब दिखाओ मुझे क्या क्या बनाया है। आलू की सब्जी है। अच्छा, सूखे आलू की सब्जी। और ये हलवा बनाया पूजने के लिए, कोई खाता नहीं है। अच्छा, पूजा करने के लिए हलवा भी बनता है आज के दिन? हाँ बना लेते हैं, खीर बना लो, हलवा बना लो, कुछ भी बना लो। अच्छा ठीक है, चलो थोड़ी सी पूरी बना दो मेरे लिए। ठीक है बना दूँ। ठीक, तू खा ली और बाद में खाऊंगी। ठीक है, हाँ आप तो बाद में ही खाओगी। वाह, ये बन गई मेरे लिए पूरी गरम गरम। मम्मी हमारे घर पूरी बन रही है, मौसी के घर कढ़ी चावल बन रहे हैं, ऐसा क्यों? कढ़ी भी बनती है, पूरी भी बनती है, कुछ ही बना लो। अच्छा, और मम्मी ने देखो मेरे लिए सुबह से दूसरी बार खाना बना दिया है, और आज मम्मी ने खाया नहीं है, मम्मी का क्योंकि फास्ट है। तू तो कितनी पेर खा लो फिर भी भूखा रहे कितनी खा लो फिर भी भूखा ही, तेरा पेट ना भरता। थक गई हो आज? हम और क्या काम तो मैं कर रहा हूँ, कर देता ना आज। मैं तो काम कर रहा हूँ और आपके काम साथ तो कुछ करता ना। अच्छा, कपड़े ना लाया उतार के ऊपर से? अरे यार कपड़े भी तो मैं लाया मम्मी ऊपर से उतार के। चल एक काम कर लिया पूरे दिन में। चलो ठीक है, बस हम रहने दो, ठीक है, अब मत बनाओ। हलवा सब्जी पूरी मम्मी पांच रख दी, पांच नहीं खा पाऊंगा। मम्मी अब मैंने खा लिया खाना, अब खा ले। अब नहीं खाया, अब मैं रात खाऊंगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ खाइए, मैं मम्मी के साथ खाऊंगा। खानी पड़ेगी ये, खा। कौन खाएगा इसे? आपके साथ खाऊंगा ना। मैं भी ना, मैं 10 बजे खाऊंगी। मैं भी 10 बजे। हाँ 10 बजे मम्मी के साथ पार्टी चलेगी दोबारा। तो आज पहले मैं थोड़ा सा अपना ब्लॉग बना लूँ, मेरा नहीं बनाया आज। हमारा ब्लॉग बना, आज हमारा बनेगा। लो अब मम्मी का बनाओ स्पेस। चलो ठीक है, रुको रुको रुको, बना रहा हूँ। ये देखो आज ये दोनों कितनी सुंदर लग रही है मम्मी, आज तो अच्छी लग रही हो। अब मौसी को देखो जैसे बिल्कुल अभी अभी शादी हुई हो। नहीं है, नहीं है तो, और क्या पुराने हैं। बहुत ही सुंदर लग रही हो आप तो। हाँ है ही सुंदर। और उसे देखो पीछे। नहीं सर ये अच्छी लग रही है मौसी आज। हैं? और क्या, मौसी बहुत सुंदर लग रही है। हाँ। ये देखो तो भी तो सुंदर है। आज बन गया ब्लॉग ठीक है, ठीक अब तब बना लू मैं अपना या अभी भी नहीं? तो तुम तो बैठ गए, कुछ करो। और क्या नाचो, नाचना भी आ रहा है, नाच ही दिखा दो आज मौसी आप अपना। नाचना भी आवे, गाना भी आवे, सब आवे। चलो ठीक है, तो इसी बात पर गाने हो जाए हैं। ठीक है, ठीक है। चलो गाइस ढोलक लाओ, नीसा ढोलक लेके आओ, इनका डांस होगा आज। गाइस मम्मी ने आज मेरा चौथा चक्कर ये छत पे लगाने जा रहा हूँ, चांद देखने जा रहा हूँ। मम्मी ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है, चौथी बार मैं चांद देखने जा रहा हूँ। पर चलो फिर से चलते हैं। मैं आ गया हूँ ऊपर, और यहाँ पे मुझे लग रहा है चांद का कोई वेट नहीं कर रहा, सब पटाखे फोड़ रहे हैं। मैं सबसे टॉप पे हूँ, और देखो चांद दूर दूर तक भी नहीं दिख रहा है। यार दिवाली बना रहे लोग तो अभी से ही, पटाखों की आवाज़ आ रही होगी आपको। वो देखो एरोप्लेन आ रहा है, मुझे लगा वो निकल गया। देखो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है गाइस, ये देखो। आगे हो जाओ ना मम्मी, उधर दिखे तो से। और अच्छा गाइस मैं ब्लॉग को करता हूँ यही एंड, और ये स्पेशल ब्लॉग मेरी मम्मी के लिए था आज का। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस सब्सक्राइब करना मत भूला करो, और लाइक करना भी मत भूला करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।